जय हिंद दोस्तों, अब तक हमने ब्लड के लगभग सारे चैप्टर कर लिए हैं। सारे चैप्टर करने के बाद ये ज़रूरी है कि उनमें मेन मेन क्वेश्चन क्या बनते हैं, क्योंकि अपने को कंपटीशन के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो कंपटीशन में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और इस ब्लड से कितने क्वेश्चन बनते हैं, वो सब मेन मेन इतने चैप्टर में जो बने हैं, इतने लेसन में जो बने हैं, वो मैं बताता हूँ। अगर आपने वो लेसन नहीं देखे हैं तो मैंने उनके लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, पहले उन लेसन को अच्छे से देख लेना, उसके बाद आप देख लेना कि इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं और वो कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ब्लड क्या होता है। ब्लड होता है वो एक स्योनजी ऊतक है। स्योनजी मतलब कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव का मतलब कनेक्शन, कनेक्शन मतलब जोड़ना। तो जो ब्लड है वो जोड़ने का काम करता है, जैसे अपनी स्किन पूरी बॉडी को जोड़ने का काम करती है, वैसे ही ब्लड क्या कर रहा है, पूरी बॉडी को जोड़ रहा है। पूरी बॉडी में हार्ट से लेकर पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई कर रहा है। तो रक्त है या ब्लड है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है और प्राकृतिक है, क्योंकि गॉड गिफ्टेड चीज़ है, हमने तो बनाया नहीं है। तो ब्लड एक प्राकृतिक स्योनजी ऊतक है। ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है? तो ब्लड का कंपोजिशन होता है, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो प्लाज्मा होता है, एक रुधिराणु होता है। तो प्लाज्मा लगभग 60% होता है और रुधिराणु में WBC, RBCs और प्लेटलेट्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि ब्लड के कार्य क्या होते हैं। ब्लड के कार्य होते हैं कि जो ब्लड है वो ताप को नियंत्रित करता है, पूरी बॉडी के टेम्परेचर को नियत बनाए रखता है। इसके अलावा ब्लड का काम होता है कि वो ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करता है। ब्लड ही तो ऑक्सीजन को हार्ट से लेकर पूरी बॉडी में जाता है और हार्ट से फिर वापस लंग्स यानी फेफड़ों के पास लेकर आता है, और फेफड़ों में वो फिर उसमें ऑक्सीजन मिलती है और CO2 निकलती है। तो ये काम ब्लड का है। इसके अलावा ब्लड क्या करता है, जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं अपनी बॉडी के अंदर उसको भी प्रिवेंट करता है। पूरी बॉडी में जो अपशिष्ट बनते हैं उनको किडनी के पास लेके जाता है और किडनी में उसका फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद वो वापस ब्लड लंग्स में आ जाता है और ऑक्सीजन मिल के पूरी बॉडी में काम आ जाता है। ये दो तीन इसके काम थे। फिर हमने पढ़ा था कि ब्लड की क्लोटिंग कैसे होती है। तो ब्लड क्लोटिंग के लिए हमने पूरा एक लेसन किया है, उसको आप अच्छे से देख लेना। उसके बाद जो तीन चार क्वेश्चन मैंने जो मेन क्वेश्चन बनते हैं वो बताए हैं, इसमें किन किन का यूज होता है। तो रुधिराणु होते हैं, वो तो थ्रोम्बोसाइट नाम की एक रुधिराणु यूज होता है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्लड क्लोटिंग में कौन सा रुधिराणु यूज होता है, तो थ्रोम्बोसाइट यूज होता है। अगर कोई पूछे कि ब्लड क्लोटिंग में कौन सी प्रोटीन का यूज होता है, तो आप बता सकते हो कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनेजिन नाम की दो प्रोटीन होते हैं, उनका यूज होता है। ऐसा कौन सा तत्व है जिसका ब्लड क्लोटिंग में यूज होता है, तो कैल्शियम का यूज होता है। और अगर ऐसे पूछे कि कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लोटिंग में यूज होता है, तो विटामिन के। ब्लड क्लोटिंग के ये चार क्वेश्चन जरूर याद रखना। रुधिराणु होता है वो थ्रोम्बोसाइट यूज होता है, और प्रोटीन, दो प्रोटीन यूज होते हैं ब्लड क्लोटिंग में, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन। और तत्व कौन सा, तत्व एलिमेंट कौन सा यूज होता है, कैल्शियम यूज होता है। और विटामिन कौन सा होता है, के यूज होता है, विटामिन के। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि ब्लड ग्रुप चार प्रकार के होते हैं, AB और O। मैंने आपको बताया था कि एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप का नाम रखा जाता है। ब्लड ग्रुप ए है उसमें सिर्फ एंटीजन ए है, बी है उसमें सिर्फ एंटीजन बी है, और जो ब्लड ग्रुप AB है उसके अंदर AB ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन दोनों विद्यमान होते हैं पर एंटीबॉडी नहीं होते। और जिसमें एंटीजन ए है उसमें एंटीबॉडी बी होगा, ये मैंने आपको बताया था। और ब्लड ग्रुप ओ ऐसा होता है जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, इसलिए दानवीर होता है। ब्लड ग्रुप ओ सबको दान करता है, कोई भी ब्लड ग्रुप ओ का ब्लड ले सकता है। और मैंने आपको बताया कि ब्लड ग्रुप AB होता है वो सर्वग्राही होता है, यानी सबका रक्त ले सकता है। क्यों ले सकता है, कि उसके पास एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडी होते ही नहीं, तो कोई भी ब्लड ग्रुप ले उसको कोई इश्यू नहीं आता है। फिर अपने देखा कि सेम ब्लड ग्रुप को चढ़ाने के बाद भी बहुत सारे लोग थे उनकी डेथ हो रही थी, ब्लड हो रहा था, वो जम जा रहा था, एंटीबॉडीज वगैरह रिएक्शन हो रही थी। तो उसके बाद जो विनर साहब थे उन्होंने RH फैक्टर की खोज की थी। RH फैक्टर होता है जिनमें विद्यमान होता है उनको बोलते हैं RH फैक्टर पॉजिटिव, और जिनमें RH फैक्टर नहीं होता उनको उनको बोलते हैं जिसमें RH फैक्टर नहीं है तो RH नेगेटिव लोग बोलते हैं उनको। ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टिंगर एंड विनर ने की थी, और RH फैक्टर की खोज ओनली विनर ने की थी। और RH फैक्टर की वजह से एक डिजीज होती है इरिथ्रोमाइटोसिस, वो भी मैंने आपको बताया था। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है। ब्लड सर्कुलेशन की खोज विलियम हार्वे ने की थी। ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, हार्ट से ब्लड पंप होता है, पंप होने के बाद किस में जाता है, महाधमनी में जाता है, महाधमनी से धमनी में जाता है, धमनी के बाद छोटी धमनी, छोटी धमनी से केशिका, केशिका से छोटी शिरा, छोटी शिरा से शिरा, शिरा के बाद महाशिरा, महाशिरा से बाद किस में कहाँ पर आता है, ब्लड हार्ट में आ जाता है।
और हार्ट से ब्लड फिर क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरीज होते हैं, यानी महास यानी फुफ्फुसिया जो धमनी होती है उसके अंदर ब्लड जाता है, उससे लंग्स में जाता है, लंग्स से वापस जो फुफ्फुसिया सिरा होती है उसके थ्रू हार्ट में आ जाता है। हमने पढ़ा था कि जो धमनियाँ और सिराएँ वो होती हैं, धमनियाँ वो होती हैं जो ब्लड को हार्ट से लेकर जाती हैं, और सिराएँ वो होती हैं जो ब्लड को वापस हार्ट के अंदर लेके आती हैं। अगर आपको कोई पूछ सकता है भी ऐसी कौन सी सिरा है जो शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, तो फुफ्फुसिया सिरा, और अगर ऐसे पूछे ऐसी कौन सी धमनी है जो अशुद्ध रक्त का यानी इम्प्योर इम्प्योर रक्त का परिवहन करती है, तो फुफ्फुसिया धमनी होती है। ये दोनों इनका अपवाद होते हैं। वैसे धमनियों का काम शुद्ध रक्त का परिवहन करना और जो सिराएँ होती हैं उनका अशुद्ध रक्त का परिवहन करना होता है, और इसके एक्सेप्शन होते हैं, दो अपवाद होते हैं, फुफ्फुसिया धमनी और फुफ्फुसिया सिरा। और ये भी पढ़ा था अपन ने कि धमनियाँ होती हैं वो साइज में थोड़ी मोटी होती हैं और सिराएँ होती हैं वो छोटी होती है। ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, यानी ब्लड 180 की स्पीड से जाता है और 80 की स्पीड से वापस आता है। इसके बाद ये अपना पूरा हो गया था ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन के बाद में हमने पढ़ा था हार्ट। हार्ट में मैंने बताया था भी कैसे कैसे सप्लाई होता है। जब ब्लड बॉडी से सप्लाई होकर हार्ट में आता है तो सबसे पहले कहाँ पर आता है, इस साइड वाला पार्ट राइट होता है और इस साइड वाला लेफ्ट होता है, ये याद रख लेना। तो राइट वाले जो आलिंद में आता है, आलिंद से क्या है नीले में जाता है, नीले से वापस फुफ्फुसिया धमनी के थ्रू ब्लड फेफड़ों में जाता है। और जो राइट वाले आलिंद और नीले होते हैं उसके बीच ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं, वो क्या करते हैं, ब्लड जब आलिंद से नीले में आ जाता है तो नीले में आने के बाद नीले होते हैं वो सिकुड़ते हैं, क्योंकि सिकुड़ेंगे तभी तो वो ब्लड क्या होगा फेफड़ों में जाएगा। तो सिकुड़ने से बचने के लिए सिकुड़ते टाइम ब्लड वापस आलिंद में ना चला जाए, इसलिए वहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं जो बंद हो जाते हैं। इसे बंद होने के बाद क्या है, ब्लड वापस आलिंद में नहीं जा पाता और नीले से सीधा ब्लड कहाँ पर चला जाता है, फेफड़ों में। फेफड़ों से वो ब्लड फुफ्फुसिया जो सीरा है उसके थ्रू कहाँ पर आएगा, लेफ्ट वाले आलिंद में आएगा। लेफ्ट वाले आलिंद से किस में आएगा, नीले में आएगा। नीले में आने के बाद वो ब्लड जैसे ही अंदर आएगा उसके ऊपर डाइकस्पिड वॉल्व होते हैं, वो क्या होते हैं ब्लड आने के बाद ऐसे बंद हो जाते हैं, ताकि जब भी नीचे वाला नील्य है उस मतलब पंप करे, क्योंकि जो लेफ्ट वाला नील्य है उसका काम क्या होता है, ब्लड को बॉडी में पंप करने का काम होता है। तो जैसे पंप करे तो वापस आलिंद में ना चला जाए, इससे रोकने के लिए क्या होता है ऊपर डाइकस्पिड वॉल्व होते हैं और राइट साइड वालों में ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं। इन दोनों के बीच में दोनों आलिंद और नील्य के बीच में एक जो सेप्टा होता है उसे सेप्टम बोलते हैं, और जो आलिंद होते हैं उनकी दीवारें नीले से पतली होती है, मतलब जो नीचे वाले नीले हैं उनकी दीवारें मोटी होती है, क्योंकि वो ब्लड को क्या करते हैं पंप करते हैं। दूसरी बात, जो लेफ्ट वाला नीले होता है उसकी दीवार जो राइट वाले नीले है उससे ज़्यादा मोटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो लेफ्ट वाला नीले है उसका काम है ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करना, तो उसको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा तो उसकी दीवारें भी मोटी होनी चाहिए, और जो लेफ्ट वाले होते हैं उसकी भी मोटी होती है पर लेफ्ट वाले से थोड़ी कम मोटी होती हैं। और इसके बाहर तीन त्रिस्तरीय हार्ट के बाहर त्रिस्तरीय जो पेशियों की लेयर होती है, हार्ट के अंदर 80 नोड नाम की चीज़ होती है, उसका काम होता है ब्लड को धड़कन देना, जिससे हार्ट एक मिनट में अपन कहते हैं ना 72 बार धड़कता है, तो वो 80 नोड की वजह से धड़कता है, और 80 नोड की प्रॉब्लम होती है साइनोड्रियल नोड्स। इसके बाद क्या होता है, जो ब्लड होता है वो पूरे एक से एक मिनट में 72 बार धड़कने लगता है, पर कई बार क्या होता है कि ऐसे नोड खराब हो जाता है, प्रॉपर धड़क नहीं पाता है, इसकी वजह से वहाँ पर अपन क्या करते हैं एक आर्टिफिशियल हार्ट लगा देते हैं, जो वो पल्स है वो जनरेट करता रहे, उससे अपन पेस मेकर बोलते हैं। और पेस मेकर होता है उसका यूज ऐसे नोड की जगह काम में लिया जाता है। और मैंने आपको बताया था बॉडी होती है जो हार्ट होता है वो एक बार धड़कता है तो 70 ml ब्लड होता है उसकी सप्लाई करता है, और एक मिनट में कितनी बार धड़कता है 72 बार, यानी कितना ब्लड हो गया 5040 ml, यानी लगभग एक मिनट में 5 लीटर ब्लड होता है उसको हार्ट पंप कर देता है। इसका मतलब ये है कि एक साथ 5 लीटर पंप नहीं करता, एक बार में 70 ml पंप करता है, जैसे ही लेफ्ट वाला पंप करके बाहर निकालता है राइट वाला अंदर आ जाता है, और ये टोटल ऐसे चलता रहता है सर्किट। थैंक यू दोस्तों, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।